तो अभी नहीं। चलो बच्चों क्लास स्टार्ट करें हाँ जी हाँ अर्श हैं मैंने कब सलाम किया अच्छा

कब स्टार्ट होगा स्टार्ट हो गया बच्चों क्लास स्टार्ट हो गई ठीक है आइए ठीक है सालिहा नाज़ सलाम रुशान कब स्टार्ट होगा यार स्टार्ट हो गया बच्चों ठीक है होने वाला है अस अस्ला... वरीशा असल सर वाईक सलाम पाँच मिनट वेट करो नहीं पाँच मिनट से पहले आ गए हम आइए और नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट क्लास एल क्या है इंडो इस्लामिक एंड जीके की है बच्चों जो कि आपको 8 पीएम पे होगी 8 पीएम एम रुशान हाँ बिल्कुल चलिए अब इतना मेहनत से कनेक्ट हुआ हूँ ओके थैंक यू फॉर आंसरिंग प्रेजेंट सर वेयर आर यू सर आई एम हेयर अफान मोहसिन प्रेजेंट सर ओके ठीक है फहद अलक्म वालेकुम अल्लाम ओके स्टार्ट करें स्टार्ट करें बच्चों जल्दी से बोलिए क्लासेस स्टार्ट करें चलिए स्टार्ट करते हैं तो देखो आपका एंट्रेंस क्या है बाईस को है ठीक है तो कल भी इक्कीस को हम आपको इक्कीस को मैं पूरा का पूरा आपका बायोलॉजी कंप्लीट कराएंगे इक्कीस तारीख को पूरा कंप्लीट हो जाएगा मतलब दो से तीन घंटे में ठीक है आइए वहाँ पर सिर्फ हम आपको पॉइंट्स बताएंगे ठीक है पॉइंट्स बताएंगे ओके स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों आइए एनीमेलिया क्या है एनिमेलिया ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मल्टी सेलुलर ठीक है ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मल्टी सेलुलर ठीक है मल्टी सेलुलर ठीक यू कैरियोटिक विदाउट सेल वॉल हैट्रोटॉपिक मतलब होलोजोइक कैसा होगा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसमें कौन कौन सा होता है इंजेशन होगा ठीक है देन आफ्टर क्या होगा डाइजेशन होगा देन आफ्टर क्या होगा इंजेशन डाइजेशन एबजॉपन एब्जॉपन देन आफ्टर एसीशन एंड एट लास्ट क्या बोलेंगे इजेशन ठीक है इजेशन ट्वेंटी वन को टाइम मॉर्निंग रखेंगे बच्चों मॉर्निंग में ही रखेंगे ठीक है आइए अब आ जाइए यहाँ पर देखो मोस्ट एनिमल्स आर मोबाइल ठीक है मोस्ट एनिमल्स आर मोबाइल ठीक है मोस्ट एनिमल्स आर मोबाइल ठीक है अब आइए क्या है सिमेट्री अब यहाँ पर हम आ गए अलग अलग कैरेक्टर देखो मंतशा सिक्स थर्टी पी एम ओके ओके डिसाइड कर लेंगे आप लोग सब बता दें कि किस टाइम हम रखेंगे ठीक है लेकिन वो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी वहाँ से डायरेक्ट टू डायरेक्ट आपके एंट्रेंस में क्वेश्चन आएंगे आइए सिमेट्री अब यहाँ पर हम कैरेक्टर वाइज हम किंगडम एनिमलिया पढ़ लेंगे और अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो सारे आपको याद हो जाएंगे ठीक है तो देखो अब हम देख रहे हैं सिमेट्री ऑफ ऑफ क्या बोलिएगा बॉडी आ जाइए जल्दी से सिमेट्री ऑफ बॉडी ठीक तो कैसे होंगे ए होगा ठीक है मतलब अगर हम बॉडी से के में बॉडी से किसी भी प्लेन में एक्सिस पास कर रहे हैं और वो बॉडी टू इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं हो रहा है ठीक है मंतशा सर वीडियो लैग लैग नहीं बच्चों हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है सब सही है आपका नेटवर्क सही नहीं होगा आप चेक करो ठीक है क्या है ए सीमेट्रिकल मतलब बॉडी को किस हम इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते क्लियर है अगर हम कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके बॉडी से एक्सिस पास कर रहे हैं किसी भी प्लेन में और बॉडी इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं हो रहा है तो उसको ए है। ओके ओके ट्वेंटी को कर दे तो ज़्यादा अच्छा है ठीक है अभी पहले ये समझ लो लास्ट में हम आपसे बात कर लेंगे कब करें एनी प्लेन डेट पास थ्रू द सेंटर डज नॉट क्या है डज नॉट एनी प्लेन डैट पास थ्रू सेंटर डज नॉट डिवाइड देम इनटू इक्वल ठीक है इक्वल इक्वल हाफ में डिवाइड एच ए एल वी हाफ्स में डिवाइड नहीं करेगा एग्जांपल क्या बोलिएगा इस्पोंजेज एग्जांपल क्या बोलेंगे स्पॉन्जेस दूसरा आ गया रेडियल सिमेट्री मतलब किसी भी प्लेन से एक्सिस पास करें और बॉडी टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए तो उसको आप रेडियल सिमेट्री बोलिएगा ठीक है रेडियल सिमेट्री रेडियल सिमेट्री मतलब हम पहली बात ठीक है देखो अगर आप जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म के से आप एक्सिस पास करें किसी भी प्लेन में और बॉडी इक्वल पार्ट में डिवाइड ना हो तो उसको आप बोलिएगा ए ठीक है और उसका एग्जाम्पल क्या बोल देंगे स्पॉन्जेस रेडियल मतलब किसी भी एक्सिस से पास एक्सिस पास किसी भी प्लेन से एक्सिस पास पास करें और बॉडी टू इक्वल हाफ पार्ट में डिवाइड हो जाए तो उसको रेडियल बोलेंगे ठीक है एग्जाम्पल याद रखिएगा क्या हो गया सेलेंट्रेट्स सेलेंट्रेट्स को आप निडेरिया भी बोलते हैं क्या बोलते हैं बच्चों निडेरिया ओके बच्चों हम आपको आज ही या कल कल हम आपको क्लास शेड्यूल कर देंगे और आ लिंक शेयर कर देंगे आपको पता चल जाएगा ठीक है आइए और आप अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिएगा आइए ठीक है चलिए नेक्स्ट बाई लेट्रल बाई का मतलब दो होता है लेट्रल का मतलब साइड में जैसे आप बॉडी देख रहे हैं अपने आप को देखिए अगर आपने वर्टिकल एक्सिस पास किया ठीक है वर्टिकल प्लेन से एक्सिस पास किया और बॉडी टू इक्वल हाफ पार्ट में डिवाइड हो गया राइट एंड लेफ्ट टू इक्वल हाफ पार्ट में डिवाइड हो गया तो इसको आप बाई लेट्रल सीमेट्री बोलेंगे वेन एनी प्लेन पास थ्रो द बॉडी कैन डिवाइड इन टू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ ठीक है लेकिन प्लेन एक ही होगा इन ओनली वन प्लेन और वो प्लेन क्या होगा वर्टिकल वर्टिकल प्लेन होगा याद रखिएगा जैसे अपने बारे में बात करें तो राइट और लेफ्ट सेरिब्रल हैस्फेयर ऊपर में देखिए ठीक है थीके? फिर नीचे आए तो राइट एंड लेफ़्ट आई हो गया राइट एंड लेफ्ट नॉस्ट्रिल हो गया ठीक है और उसके बाद अगर बात करें अपर क्या है राइट एंड लेफ़्ट जॉ हो गया ठीक है फिर राइट एंड लेफ़्ट लंग्स हो गए ठीक है इसी तरीके से बॉडी क्या हो जाएगा टू इक्वल हाफ पार्ट में डिवाइड हो जाएगा क्लियर है तो इसको बाईलेट्रल सिमेट्री बोलेंगे ठीक है तो बाइलेट्रल सिमेट्री का एग्जाम्पल अगर आप बोलिएगा तो कहां से प्लेटी हैलमेन्थीज ठीक है टू टू क्या बोलिएगा क्वारेट्स ठीक है क्वारेट्स प्लेटी हेलमेंथिस से लेकर क्वारेट्स तक क्लियर हो गया ठीक है क्लियर याद रखिएगा तो देखो अब क्या कीजिएगा स्पॉन्जेस को बोल दीजिएगा ए सीमेट्रिकल बॉडी सेलेंट्रेट्स को आप रेडियल सीमेट्री बोल दीजिएगा फिर प्लेटी हेलमिन हो गया फिर एस्केलमें हो गया फिर इकाइनोडर्मेटा हो गया मुलस्का हो गया ठीक है प्लेटी हेलमिन एस्केलमेंथिस एनेलिडा आर्थोपोडा मुलस्का इकाइनोडरमेटा सब में क्या बोल दीजिएगा बाइलेट्रल सीमेट्री तो बस एक चीज याद रखो बायोलेट्रल सिमेट्री और कहाँ से प्लेटी हेलमिन से कॉडेट तक बात खत्म ठीक है तो फर्स्ट टाइम बाइलेट्रल सिमेट्री कहाँ दिखा प्लेटी हेलमिन में दिखा ठीक है फर्स्ट टाइम बायोलेट्रल सिमेट्री कहाँ दिखा प्लेटी हेलमेंट्स में स्पॉन्जेज में क्या होगा ए सीमेट्री होगा सेलेंटरेटा निडेरिया में क्या होगा रेडियल सीमेट्री होगा ठीक है ये चीज अब देखो डिप्लो ब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन ठीक है यहाँ पर हम इम्ब्रियोनिक लेयर देख रहे हैं ठीक है एनिमल्स इन विच सेल्स आर अरेंज इन टू एम्ब्रियोनिक लेयर बाहर का एक्टोडर्म बोलेंगे और अंदर का इंडोडर्म ठीक है तो इसको आप क्या बोलिएगा डिप्लोब्लास्टिक मतलब मेजोडर्म लेयर डेवलप्ड नहीं हुआ है बीच में क्या है ये याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है आपसे सवाल आपके एन में लेबल कर रखा है लेकिन लैंग्वेज में कहीं नहीं लिखा हुआ है आ, आपने अगर हाइड्रा का डायग्राम देखा होगा अपने एन में तो ये चीज लेबल कर रखा है ठीक है तो मेजोडम की जगह क्या होगा ठीक है हाँ ठीक है मेजोडम की जगह मेजोडम की जगह क्या होगा एन अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर मेजो प्रेजेंट इन बिटवीन एक्टोडर्म एंड इंडोडाम सेलेंट्रेट्स ठीक है सेलेंट्रेट्स में याद रखिएगा ठीक है सना अहमद बिल्कुल बिल्कुल लेंगे ठीक है ट्रिप्लो ब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन ठीक है ट्रिप्लो ब्लास्टिक जिसमें ऑल थ्री इम्ब्रियोनिक लेयर्स डेवलप्ड होगा तो आप याद रखिएगा डिप्लो ब्लास्टिक किस में बोलिएगा सेलेंट्रेट्स में बोलिएगा शुरुआत कहाँ से हो गया सेलेंट्रेट्स में ठीक है सेलेंट्रेट्स क्लियर रहे? है याद रहेगा सेलेंट्रेट्स में आगे देखिए ट्रिप्लो ब्लास्टिक अब आप कुछ मत करो प्लेटी हेलमिन से लेके कॉर्डेट्स तक ट्रिप्लो ब्लास्टिक बोल दो क्या है देखो तो आपको अलग अलग कैरेक्टर नहीं याद रखना है इस तरीके से ध्यान रखिए और पूरा का पूरा ठीक है तो प्लेटी हेलमेंथिस टू कॉडेट्स प्लेटी हेलमेंथिस टू कॉडेट्स प्लेटी हेलमेंथिस अरे मोस्ट एनिमल्स आर मोबाइल मतलब घूमते फिरना लोकोमोशन एक जगह से दूसरी जगह जाना एक जगह से दूसरी जगह जाना ठीक है यासीरा महमूद एक जगह से दूसरी जगह जाना क्लियर हो गया आइए नेक्स्ट नेक्स्ट देखो नोट बॉडी अब ये इंपॉर्टेंट देखिए बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज सेलुलर सेलुलर इन में cellular, अब इसको एक्सप्लेन करेंगे टिश्यू लेवल इन सेलेंट्रेटा टिश्यू ऑर्गेन फ्लैटॉर्म प्लेटी हेलमेंथिस हो गया ठीक है फ्लैट प्लेटी हेलमेंथिस हो गया में क्या हो गया ऑर्गेन सिस्टम हो गया ऑर्गेन सिस्टम एसकेलमें से पूरा आप ले लो क्या कहाँ कॉडेट्स तक ठीक है आ रहा है समझ में क्लियर हाँ घूमना फिरना होता है बिल्कुल आइए ए सिलोम ए सिलोम मतलब ए सिलोम का मतलब वहाँ पर बॉडी कैविटी नहीं होगा एनिमल्स इन विच बॉडी कैविटी इज़ एबसेंट उसको ए सिलोम बोलिएगा ठीक है सीडोसिलोम ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एंट्रेंस में पूछा जाता है सीडोसिलोम कहने का मतलब एक्टोडम है और इंडोडम है लेकिन मेजोडम क्या है वेल well डेवलप्ड नहीं है स्कैटर्ड फॉर्म में बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाई मेजोडाम इन स्टीट द मेजोडाम इज प्रेजेंट एज स्कैटर्ड पाउच इन बिटवीन द एक्टोडर्म एक्टोडर्म एंड इंडोडाम इज कॉल्ड सीडोसिलोम बोलेंगे और जिस एनिमल में होता है उसको सीडोसिलोमेट तो सीधे क्या याद रखना है निमेटोड्स ठीक है ठीक है आ रहा है समझ में हाँ जी क्लियर है और इसके बारे में क्या बोलिएगा ए सी लोम जो है ए सी लोम क्या बोलिएगा प्लेटी हेलमेंटिस ठीक है और सिलो मतलब ट्रू बॉडी कैविटी आपके एंट्रेंस में बहुत बार सवाल पूछा है फर्स्ट टाइम ट्रू बॉडी कैविटी किस में आया एने फर्स्ट टाइम ट्रू बॉडी कैविटी किस में आया बच्चों एनेलीडा फर्स्ट टाइम ट्रू बॉडी कैविटी किस में आया एने ब्लूमिंग फ्लावर असल सर वालेकुम वालेकाम ठीक है आइए तो ये पूरा आपको दे रखा है डायग्राम ठीक है अब यहाँ यहीं से हम आपको एक दो चीज़ बता देते हैं देखिए ठीक अब ये जो आपको दिख रहा है ठीक है ये इसके बारे में क्या बोलिएगा सीधे सीधे लिखा ए सी ये क्या हो गया बच्चों ए सी क्लियर है अब साइड हो जाते हैं हम थोड़ा सा आपको क्लियरली दिखेगा ठीक है दिख रहा है तो देखो तो देखिए यहाँ पर आप क्या बोलेंगे ठीक है ये जो चीज आप देख रहे हैं ये ये क्या हो गया इसको देखो मेजोग्लिया जो गिलिया देख रहा है बाहर का एक्टोडम हो गया अंदर का इंडोडम ये क्या हो गया ल्यूमेन ल्यूमेन भट्ट मोहसिन असलम सर वालेकुम सलाम ये भी क्या हो गया ल्यूमेन मतलब फ्री स्पेस क्लियर है आ रहा है समझ में फ्री स्पेस क्लियर आइए नेक्स्ट आप देखिए जल्दी से अब ये जो आप देख रहे हैं ये डिप्लोब्लास्टिक ए डिप्लोब्लास्टिक तो इसके बारे में बात करिए किसमें देखिएगा एक मिनट किसमें बोलिएगा कोई बताएगा कमेंट में किस क्या बोलेंगे ट्रेड्स और क्या बोलिएगा निडेरिया ठीक है अब इसके बारे में क्या बोलिएगा ट्रिप्लोब्लास्टिक कहां से प्लेटी हेल थीज टू पूरा का पूरा सब में प्लेटी हेलमिन से लेकर के सब में कहा कॉर्डेट्स क्या बोलिएगा कॉर्डेट्स में ठीक है और ये ए आप जो देख रहे हैं ये क्या है सिलोम ठीक है क्या है सीलोम दैट मीन्स क्या बोलिएगा ट्रू बॉडी कैविटी क्या बोलिएगा ट्रू बॉडी कैविटी ए के बारे में हम बोल रहे हैं क्या बोलिएगा एनेलिडा टू क्या बोलिएगा कॉर्डेट्स एनेलिडा से लेके कॉर्डेट्स तक ठीक अब यहाँ देखिए इसको आप बोलिएगा स्यूडो सिलोम क्या बोलिएगा सीडोसिलोम सीडोसिलोम किस में आपने देखा एस कैल मैन एस कैल मैंथिस जिसको आप क्या बोलते हैं और क्या बोलते हैं नीमाटोट्स और क्या बोलते हैं निमेटो हेलमेंथिस क्या बोलिएगा नी मैटो ठीक है अब यहाँ पर आप इसको बोलिएगा ए का मतलब ना ए सिलोम ठीक है और याद रखिएगा किसमें किसमें प्लेटी हैल मिन थीज बहुत इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट सवाल बनेगा बच्चों डायरेक्ट सवाल ठीक है याद रखिएगा इंपॉर्टेंट था जो मैंने आपको बता दिया ठीक है जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लें क्लियर है, आगे बढ़े हम अब देखो अगर आपसे बोलता है यहां पर अब हम आपको इस तरीके से बता रहे हैं अलग सा यहां से स्लाइड में सब आपको क्लियर करेंगे देखिए अगर आपसे बोले ठीक है क्या सिमेट्रिकल बॉडी ठीक है तो क्या बोलिएगा पॉन्जेस अगर आपसे बोले रेडियल सिमेट्री रेडियल सिमेट्री तो आप क्या बोलेंगे सेलेंट्रेट्स जिसको आप निडेरिया भी बोलते हैं ठीक है अगर आपसे बोले बाई लेटरल सिमेट्री तो आप क्या बोलिएगा फर्स्ट टाइम प्लेटी हेल मेंथिस टू कॉर्डेट्स प्लेटी एलमिन से लेकर कॉर्डेट्स तक क्लियर है ठीक है हाँ हाँ तबस्सुम रियाज टेनोफोरा लेकिन टेनोफोरा आपके सिलेबस में नहीं है रुशान नीडेरिया ठीक है नीडेरिया सेलेंट्रेटा का दूसरा नाम नीडेरिया है सेलेंट्रेटा का दूसरा नाम निडेरिया है ठीक है आ रहा है समझ में सेलेंट्रेटा का दूसरा नाम निडेरिया है मोहम्मद कशान असलमकूल वालेकुम असलम तो ये चीज़ हमने आपको बताया क्लियर है एक बार देख ले जो चीज़ छुप रहा है उसको भी देख ले फिर हम आगे बढ़ेंगे जल्दी जल्दी देख ले बच्चों जल्दी जल्दी ठीक है हाँ साइड को हो जा रहे हैं आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से बच्चों चलो आगे बढ़े हाँ जी जल्दी से बताएं नेक्स्ट स्लाइड पे हम आते हैं बच्चों ठीक है आ जाओ जल्दी से सर आई एम लास्ट सर मैं लास्ट टाइम क्या क्या पढ़ूं कुछ इम्पोर्टेंट आप बता दो प्लीज ठीक है हाँ 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 नहीं तो हमने कशान साहब देखो हमने ये चीज नहीं लिखा है कहीं पर सलेंटा के ओके ओ ओके ओके ओके, ठीक है हाँ 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 हमने बॉडी कैविटी पर कहीं पर नहीं लिखा ना सेलेंट्रेटा अरे सिमेट्री लिखा है कशान सॉरी गुशान, अभी देखो आ रहे हैं हम आ रहे हैं सब कुछ बताएंगे सब कुछ बताएंगे थोड़ा तो वेट करो थोड़ा हमें भी टाइम दो देखो आइए आ जाइए तो देखिए अब हम आपको बताते हैं हाँ अब देखो अब यहां देखो बॉडी कैविटी ऑफ स्पॉजेस मतलब पोरीफेरा रस ठीक है तो इसके बारे में बोलिएगा क्या जल्दी से बताओ स्पॉन्जो सील सील का मतलब कैविटी नेक्स्ट अब देखो बॉडी कैविटी ऑफ सेलेंट्रेटा बॉडी कैविटी ऑफ सेलेंट्रेटा बॉडी कैविटी ऑफ सेलेंट्रेटा आइए हाँ ओके ओके आइए बॉडी कैविटी ऑफ सेलिनटा दैट इज निडेरिया आल्सो कॉल्ड निडेरिया अब इसमें बोलिएगा गैस्ट्रो गैस्ट्रो वैस्कुलर कैविटी बिल्कुल सही गैस्ट्रो वैस्कुलर कैविटी ठीक है क्लियर अब आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं ये सब याद रखिएगा नेक्स्ट पॉइंट सेल फिर हो गया टिश्यू फिर हो गया ऑर्गेन ठीक है देन आफ्टर क्या हो जाएगा ऑर्गेन सिस्टम क्या हो जाएगा ऑर्गेन सिस्टम तो जब सेल तो सेलर ठीक है क्या बोलिएगा सेलुलर किस में होगा सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पॉरी याद रखियेगा मल्टी सेलुलर होते हैं बट बट सेल्स आर आर नॉ चलो बच्चों आगे क्लियर हो गया क्लियर देखो गए सब सर फर्स्ट टाइम वीडियो इज लैगिंग सर ओके ओके नेटवर्क नेटवर्क अब आ गया आ गए सब लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाओ बच्चों जल्दी बताएं बच्चों स्क्रीन क्लियर वॉइस क्लियर जल्दी जल्दी बताइए सही हो गया जल्दी जल्दी जुड़ जाए बच्चों यस सर यस सर ओके तो जल्दी से देखो क्या है हमने बताया कि आपको क्या याद रखना है कैविटी क्या याद रखना है बच्चों कैविटी ठीक है आपको याद रखना है कैविटी अब उसमें देख लो क्या है सेल टी हो गया बॉडी कैविटी ऑफ स्पॉन्जेस पॉरीफेरेंस स्पॉन्जोसिल्स हो जाएगा बॉडी कैविटी ऑफ सेलेंट्रेट निडेरिया गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी अब क्या है जिसमें क्या है कई सारे सेल्स होंगे लेकिन वो ऑर्गेनाइज होकर के टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं के होंगे उनको आप सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलिएगा और ये किस में किसमें हाँ किसमें पॉरीफेरा में, में. टिश्यू फर्स्ट टाइम टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन ए किंगडम एनिमेलिया में सेलेंट्रेटा निडेरिया बोलिएगा फिर फर्स्ट टाइम ऑर्गेन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्लेटी हेलमिंथिस में बोलिएगा और फर्स्ट टाइम क्या है ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आप किसमें बोलिएगा किसमें बोलिएगा एस्केल मैथिस तो ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एस्केल मैथिस से कॉर्डेट सब में बोलते जाएंगे ठीक है सब में बोलते जाएंगे क्लियर है हाँ जी बोलो जल्दी जल्दी बताएं क्लियर है सबको जल्दी से देख लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए जल्दी से चलो बच्चों आगे बढ़ें जल्दी से बोलिए आगे बढ़ें सर कुछ भी नहीं आ रहा है कैसी बात करें सब आ रहा है बच्चों हमें तो दिख रहा है हमारे तब से कोई प्रॉब्लम नहीं है थी थोड़ी सी प्रॉब्लम वो हमने सही कर लिया ठीक है नेटवर्क को भी कोरोना वायरस ने है, कौन डिप्रेशन का शिकार है भाई रुशान किसने क्या बोला आइए आइए नेक्स्ट चलिए बाद में बॉडी टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट इसको आप ऐसे समझिए ठीक है चलो यहीं पर बॉडी टेम्परेचर जल्दी से देखिएगा बॉडी टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर अब क्या है एक्टोथर्म पॉइकिलोर्म ठीक है एक्टोथर्म पॉइकिलोथर्म एक्टोट एक्टोथर्म इज ऑल्सो नोन एज प्वाइकिलोथर्म और वार्म वार्म ब्लडेड ब्लडेड ठीक ठीक है है भाई यहां से है यहां से ठीक है तो ये देखो ऐसे हम बात करें ऐसे एक्टोथर्म ठीक है इसको और क्या बोलिएगा आप पॉइ किलो थर्म ठीक है और इसको क्या बोलिएगा कोल्ड ब्लडेड और निजम्स ठीक है और नेक्स्ट देखिए क्या है इंडो थर्म ठीक है जिसको आप होमियो थर्म बोलेंगे ठीक है और क्या बोलेंगे वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म ठीक है ऑर्गेनिजम क्लियर आइए तो अब आप इनके बारे में ऐसे डिवाइड कर दें ठीक तो अब यहां से आप जो देखेंगे थोड़ा हम साइड हो जाते हैं उसके बाद लिखते हैं ठीक है तो देखिए यहां पर organisms that do not having capacity or adaptability to मेंटेन कॉन्स्टेंट इंटरनल बॉडी टम्परेचर वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपने बॉडी का इंटरनल टम्परेचर कॉन्सटेंट नहीं रख पाते उनको आप एक्टोथर्म पॉइकिलोथर्म और कोल्ड ब्लडेड बोलते हैं इसका मतलब इसका मतलब आप बोलेंगे ठीक है इंटरनल बॉडी टेम्परेचर इज सेम एज इनवायर इन्वायरमेंटल टेम्परेचर जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर होगा वही उनके बॉडी का टेम्परेचर होगा यहां पर एग्जाम्पल में आप क्या बोलिएगा पीसेस हो जाएंगे मतलब फिश एमफीवियन हो जाएंगे एमफीवियन एंड क्या बोलिएगा रेप्टाइल्स याद रखिएगा ठीक है रेप्टाइल्स क्लियर अब आप देखिए आगे इनके बारे में हम बात करें क्या बोलिएगा ऑर्गेनिजम्स ऑर्गेनिजम्स डैट हैव कैपेसिटी और एडप्टिबिलिटी टू मेंटेन कॉन्स्टेंट इंटरनल बॉडी टेम्परेचर वट एवर बी इन्वायरमेंटल टेम्परेचर कुछ भी हो इंपॉर्टेंट टेम्परेचर ठीक है कुछ भी हो क्लियर तो यहां पर कांस्टेंट रखते हैं तो आप बोलिएगा कौन कौन हो जाएंगे कौन हो जाएंगे जल्दी से बताइए एग्जांपल क्या बोलिएगा एंड मैमल्स एफ्स एंड मैमल्स क्या बोलिएगा बच्चों एफ्स एंड मैमल एव्स एंड मैमल जल्दी से देख लीजिए मतलब जो अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेगा जो अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेगा एक्सटर्नल इन्वायमेंटल टेम्परेचर कुछ भी हो तो वैसे ऑर्गेनिज्म को आप वार्म ब्लडेड होम्योथर्म और क्या बोलेंगे एंडोथर्म बोलेंगे ठीक है उसमें एग्जाम्पल एप्स और मैमल हो जाएंगे और जो अपने बॉडी टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट नहीं रख पाता वो मतलब जो बाहर का टेम्परेचर है वही उसका इंटरनल बॉडी टेम्परेचर होगा तो वैसे को आप क्या बोलिएगा इन एक्टोथर्म, पॉइकिलोथर्म और कोल्ड ब्लडेड इसका एग्जाम्पल हो जाएगा फिश एम्फीबियन मतलब फ्रॉग और भी बहुत सारे हो जाएंगे रेप्टाइल्स हो जाएंगे क्लियर है आ रहा है समझ में जल्दी से बताएं क्लियर अब आइए नेक्स्ट अब होम्योथर्म जो बोला तो एक बात याद रखिएगा अगर आपसे बोलेगा कि किस ऑर्गेनिज्म में होम्योस्टेसिस फेनोमेनन होता है तो एफ्स और और मैमल होम्योस्टेसिस फेनोमेनन किस में होता है एफ्स और मैमल में होता है जो अपने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं क्लियर अब आपको एक चीज पता होगा ठीक है जो एक्टो थर्म होते हैं जिनको आप कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म ठीक है ये इनमें अडप्टेशन होता है फॉर सरवाइवल ठीक है दैट इज क्या है अडप्टेशन इनएक्टिव स्टेट है तो वो इनएक्टिव स्टेट क्या है एस्टिवेशन और हाइबर नेशन ठीक है एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन एस्टिवेशन आप क्या बोलिएगा बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा तो बीन एक्टिव हो जाएंगे समर स्लिप बोलते हैं और इसको बोलते हैं विंटर स्लीप बोलते हैं याद रखिएगा ये कौन शो करता है बहुत सारे कौन हो गया पीसेस हो गया एम्फीबियन जनरली जो एग्जाम्पल आप पूछते हैं जो आपके एग्जाम में आता है फ्रॉक्स क्या बोलिएगा फ्रॉक्स क्लियर है आ रहा है समझ में जल्दी से बता दें आ रहा है समझ में बच्चों जल्दी जल्दी बताइए फिर हम आगे बढ़ेंगे आज ये चैप्टर कंप्लीट कर लेना है बच्चों आज ये चैप्टर कंप्लीट कर लेना है चले आगे बढ़े आगे बढ़े आइए नेक्स्ट ठीक है अब देखिए आ गया सब पोरी फेरा आपके एंट्रेंस में पूछा है पोरी पोरस मतलब पोर्स बियरिंग ऑर्गेनिज्म क्या बोलिएगा पोर्स बियरिंग ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म हैव होल्स और पोर्स ऑल ओवर द बॉडी ये पूछा अब इसके बाद ये पूछा क्या होंगे ये पोर्स बियरिंग ऑर्गेनिज्म कहाँ रखे जाएंगे पोरिफेरा में ये भी सवाल आपसे पूछा है याद रखिएगा ये भी पूछा है ठीक है तो देखिए यहाँ पर दीज पोर्स कॉल्ड ऑस्टिया एंट्री पोर मेनी ठीक है एंड ओपन इन टू द कैनाल एग्जिट पोर एक ही होता है ठीक है कैनाल ओपन आउटसाइड बाय बाई ऑस्कुलम क्या बोलिएगा ऑस्कुलम और स्कूलम क्या बोलेंगे एंट्री पोर मेनी इन नंबर एंड एग्जिट पोर क्या हो जाएगा सिंगल इन नंबर ठीक है आपकी इंट्रेंस में सवाल पूछ सकता है कैनाल सिस्टम किस में पाया जाता है ठीक है तो पॉलिफेरा में क्या हेल्प करता है सर्कुलेशन ऑफ वाटर थ्रू आउट द बॉडी ठीक है फूड एंड ऑक्सीजन तो चार ऑप्शन बन जाएगा फूड ऑक्सीजन ठीक है याद रखिएगा ठीक है ये नॉन मोटाइल होते हैं और क्या बोलिएगा अटैच टू द सॉलिड जिसको आप बोलते हैं सबस्ट्रेटम ठीक है सबस्ट्रेटम इनकी बॉडी क्या है दिज कवर्ड विथ अ हार्ड आउटसाइड लेयर और स्केलेटर सेलुलर लेबल कॉमनली कॉल्ड स्पॉन्जेस ये भी सवाल पूछा है मेनली मेराइन होगा एग्जाम्पल दे रहा यूप्लेक्टेला वेनस वेनस फ्लाई ट्रैप बोलेंगे ठीक है सॉरी वेनस फ्लावर बास्केट स्पॉन्जीला और क्या है यू स्पॉन्जिया बाथ स्पॉन्जेस आइकॉन ये सब आपका एग्जाम्पल हो गया सेलेंटेटा नीडेरिया आगे का होगा तो देखो ये 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 क्या है ऑस्टिया ठीक है और ये जो एग्जिट हो रहा है इसको क्या बोलिएगा ऑस्कुलम ठीक है और इन दोनों को मिला करके क्या बोलते हैं कैनाल सिस्टम बोलते हैं क्या बोलते हैं कैनाल सिस्टम ठीक है याद रखिएगा क्या बोलिएगा बच्चों कैनाल सिस्टम जल्दी से देख लें ठीक है एक रफ डायग्राम हमने आपको बता दिया ठीक है क्लियर है जल्दी से बताए बच्चों जल्दी जल्दी बताइए क्लियर हो गया सबको यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं फिर हम आगे बढ़ेंगे ठीक आइए चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट ठीक है एक्विटी अब देखिए ये क्या है सेलेन क्रेटा और एरिया के बारे में बात करें जनरल कैरेक्टर आपने ऑलरेडी पढ़ लिया बस उसी को यहाँ पर इंक्लूड करना है तो क्या है एक्वेटिक है मोस्टली मेराइन हो गया अब यहाँ से ये यह सवाल पूछेगा देखिए कॉलोनीज में जो पाए जाते हैं उनको कोरल बोलते हैं और फ्रेश वाटर सॉलिटरी मतलब स्टेशनरी अकेला ठीक है अलोन मतलब सिंगल ठीक है जो अकेले अकेले पाए जाएंगे उसको क्या बोलिएगा आप हाइड्रा ठीक है ये हमने बता दिया रेडियल सिमेट्री होगी ट्रिप्लो होंगे फर्स्ट टाइम टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाएगा ठीक है ये फिर बॉडी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होगा ये भी हमने बता दिया ठीक है यहाँ पर कॉमन ओपनिंग होगा जो माउथ और एनस के लिए ठीक है और ये टेंटेकल्स होगा टेंटेकल्स किस लिए होता है ये क्या होता है ऑफेंस एंड डिफेंस के लिए यूज होता है ठीक है ऑफेंस मतलब क्या है प्रोटेक्ट ऑफेंस ठीक है ऑफेंस का मतलब क्या बोलिएगा किल प्रे प्रे को किल करने के लिए डिफेंस मतलब प्रोटेक्ट फ्रॉम प्रीडेटर से बचाता प्रोटेक्ट फ्रॉम दी प्रीडेटर ठीक है ओके okay. क्लियर है हाँ मूवमेंट के लिए अब देखो हाइड्रा फ्रेश वाटर सेलेंट्रेट याद रखिएगा हाँ मेड्रि सी एनिमोल्स याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है और जेली फिश फॉल्स फिश बोलते हैं क्या बोलिएगा इसको फॉल्स फॉल्स फिश मतलब लिखा तो फिश है लेकिन है फिश नहीं फाइजेलिया पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर ठीक है पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर ठीक है पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर इस तरीके से होता है कौन फाइजेलिया फाइजेलिया याद रखिएगा पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर फाइजेलिया क्लियर है आ रहा है समझ में जल्दी जल्दी बताइए जल्दी से देख लें फिर हम आगे बढ़ेंगे जल्दी जल्दी करते हैं जल्दी जल्दी बिल्कुल सब कुछ पढ़ चुके उसी को इधर से उधर करना है कैरेक्टर को बस आइए नेक्स्ट नेक्स्ट जो हम बता रहे हैं वो ध्यान रखिएगा प्लेटी हेलमीन्स इसको फ्लैट वॉम बोलते हैं क्यों क्योंकि इनकी बॉडी डॉसोवेंट फ्लैट है आइए मोस्टली पैरासिटिक लिवर फ्लू ठीक है याद रखिए बार समार हां ये इंपॉर्टेंट हो गया फ्री लिविंग प्लेन एरिया एक बात याद रखिएगा प्लेन एरिया को प्लेन एरिया के बारे में याद रखिएगा रिप्रोड्यूस्ड बाय जल्दी से बताएं रिप्रोड्यूस्ड बाय रीजनरेशन रिप्रोड्यूस्ड बाय रीजनरेशन प्लेन एरिया रिप्रोड्यूस्ड बाय रीजनरेशन ठीक है याद रखिएगा इनमें क्या होता है हाईली री रीजनरेटिव पावर हाईली रीजनरेटिव पावर होता है ठीक है बाइलेट्रल सिमेट्री बता चुके ट्रिप्लोब्लास्टिक बता चुके ऑर्गेन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बता चुके हाँ बॉडी कैविटी सिलोम इज एब्सेंट इसीलिए आपने क्या बोला ए सिलोमेट ये सवाल बहुत बार आपके एंट्रेंस में पूछा जा चुका है याद रखिएगा प्लेटी हेलमेंस को हम फ्लैट वॉम भी बोलते हैं क्यों बॉडी इज फ्लैट एंड वेंट्रली मीन्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम बॉडी क्या होगा फ्लैट होगा फ्रॉम टॉप टू बॉटम बॉडी इज फ्लैट टॉप टू बॉटम ठीक है वेंट्रली डॉर्सो अगर हाथ आप देख रहे हैं तो नीचे वाला पार्ट डॉर्सल हो गया और ये हो गया वेंट्रल ठीक है तो क्या हो जाएगा फ्लैट होगा चपटा होगा इसीलिए हम क्या बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं फ्लैट वाम ठीक है अगर आपसे पूछे कि प्लेटी एलमेंटिस इज ऑल्सो नोन एज फ्लैट वाम तो बोलिएगा इनकी बॉडी डॉर्सो वेंट्रली क्या है फ्लैटेन है दैट मीन्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम फ्लैट है क्लियर आइए और ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है पैरा सिटिक है ठीक है आइए नेक्स्ट टैप वॉम टैप वॉम बोले ठीक है ठीक है और बोलिए ठीक है एस्केलमेन थ्रेड वॉम बोलते हैं थ्रेड वॉम वहां पर का एग्जाम्पल था ये रॉन्ड वॉम रॉन्ड वॉम इसलिए बोलते हैं बिकॉज ऑफ बिकॉज ऑफ कमेंट में बताएं आप लोग सिलेंड्रिकल बॉडी रॉन्ड वम क्यों बोलते हैं बिकॉज ऑफ सिलेंड्रिकल बॉडी आइए मोस्ट आर फ्री लिविंग ठीक है cylindrical और नैरो सिलेंड्रिकल बॉडीज आ गया इनकी कवरिंग के बारे में याद रखिएगा क्यूटिकल्स होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक बता दिया अनसिगमेंटेड एनिमल्स हैं बाइलेट्रल सीमेट्री याद रखिएगा ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एंट्रेंस में कई बार पूछा हुआ है सीडोसिलोम एग्जाम्पल एसकेरीज एसकेरीज क्या कॉज करता है बताइएगा याद रखिएगा एसकेरीज को आप क्या बोलते हैं रॉन्ड वॉम बोलते हैं क्या बोलते हैं रॉन्ड वॉम और ये एसकेरियासिस डिजीज का नाम क्या हो गया एस्केरियासिस और याद रखिएगा आपकी एंट्रेंस में पूछा जा चुका है ठीक है कि ये स्मॉल स्मॉल इन Intestine, कहा स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाएगा बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन याद रखिएगा कहा पाया जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन क्लियर आइए नेक्स्ट राउंड इसी को बोला वाउचर एरिया याद रखिएगा बोलते हैं और क्या कॉज करता है फिलेरियसिस जो कि उसको और क्या बोलते हैं एली हाथी के जैसा हाथ पैर हो जाता है एली फैंटियास यहाँ पर जो ऑर्गेन अफेक्ट होता है वो लिम फैटिक याद रखिएगा क्या अफेक्ट होता है लिम्फैटिक टिश्यू क्लियर हाँ ये आपके एंट्रेंस में सवाल पूछा है हुकवॉर्म याद रखिएगा हुकवॉर्म इम्पॉर्टेंट है हुकॉर्म जिसको आप क्या बोलते हैं एन साइक्लोस्टोमा आपके एंट्रेंस में सवाल पूछा हुआ है बच्चों याद रखिएगा एन साइक्लोस्टोमा क्लियर है आगे बढ़े नेक्स्ट स्लाइड हम्म अब देखिए इसमें डिफरेंस देखिए प्लेटी हेलमेंथिस और एस्केलमेंथिस फॉर्म इसको फ्लैट वॉर्म बोलिएगा इसको राउंड वार्म बोलिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा बॉडी कैविटी यहाँ ए सिलोमेट होगा यहाँ सीडो बहुत बार पूछा है ठीक है ये चीज याद रखिएगा ये इनकम्प्लीट कम्प्लीट याद रहे तो ठीक भी है लेकिन इसको तो याद रखना ही है बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शुअलिटी हर्माफ्रोडाइट मतलब बाई और ये हो गया यूनिसेक्सुअल क्लियर आइए नेक्स्ट आगे बढ़े आगे बढ़ते चले जल्दी बताइए एनेलिडा एनेलिडा इंपॉर्टेंट देखिए यहां से इसमें अर्थफॉर्म आता है जिसको फार्मर्स फ्रेंड बोलते हैं ठीक है अर्थ हो गया और लीच हो गया इसको आप बोलते हैं मर्स फ्रेंड बोलते हैं क्या बोलते हैं बच्चों फार्मर्स फ्रेंड याद रखिएगा हाँ यहाँ पर ये बहुत बार सवाल आपके एंट्रेंस में पूछा है फर्स्ट एनिमल्स विथ ट्रू बॉडी कैविटी एंड अन सीगमेंट बाई लिट्रल सीमेट्री तो आपको पता है लेकिन यहाँ पर सिगमेंटेड बॉडी क्या बोलिएगा सिगमेंटेड बॉडी कैसा होता है आपके एंट्रेंस में पूछा क्या सिगमेंटेड एंड ट्रू बॉडी कैविटी किस में पाया जाएगा सबसे पहले एक साथ तो बोलिएगा एनिलिडा ठीक है देखिए लिखा है ना सिगमेंटेड बॉडी सिगमेंटेड अर्थवॉर्म में क्या होता है एक चीज और मेटा मेरिक सिगमेंटेशन ठीक है मेटामेरिक सिगमेंटेशन क्लियर है आइए अब देखिए यहाँ पर क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है याद रखिएगा क्लोज्ड ठीक है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इज क्लोज्ड, क्लोज बहुत इंपॉर्टेंट है आपसे पूछा जा चुका है नेरी सैंड बॉम हो गया लीच हो गया लीच क्या होता है याद रखिएगा ब्लड ब्लड सकर होता है ठीक है ब्लड सकर ठीक पेरिटीमा पॉजिटिमा अर्थबॉर्म के बारे में बोला क्लियर आगे बढ़े नेक्स्ट स्लाइड आइए अब आर्थोपोडा के बारे में यह पूछा जा चुका है लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल इसको ऐसे पूछा आपसे लार्जेस्ट लार्जेस्ट फाइलम ऑफ किंगडम किंगडम एनी मेलिया लार्जेस्ट फाइलम ऑफ किंगडम एनिमेलिया ट्रिप्लोब्लास्टिक ये सब बता चुके हैं बायोटल सीमेट्री ठीक है मेटा मेरिकली सेगमेंटेड ठीक है मेटामेरिकली ठीक आइए बॉडी इज सेगमेंटेड टू थॉरिक्स हेड नेक ये ध्यान रखना हाँ ज्वाइंट अपेंडेजेस याद रखिएगा आपसे पूछा हुआ है ये ठीक है ज्वाइंट लेग ठीक है आर्थ्रो आर्थरो ज्वाइंट अपडेजेज मेटामॉर्फिज्म इन फ्रॉग अच्छा ठीक है चलो रुशान ने एक सवाल पूछा है देख लीजिए आप लोग भी मेटा मेटामजम मेटामोरफिजम इन फ्रॉग ठीक है इज कॉज नहीं बोलेंगे इज ड्यू टू हार्मोन हार्मोन क्या बोलिएगा थायरोक्सिन क्या बोलिएगा थायरोक्सिन हार्मोन मेटामॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है लार्वा चेंजेस टू एडल्ट क्लियर है रुशांत आपने जो पूछा बता दिया अब आइए ज्वाइंट ये देखिए इंपॉर्टेंट है सवाल पूछा है ये 2005 में पूछा है हेमोसिलोसिल का मतलब क्या होगा हेमोसील का मतलब हम आपको ऊपर में बता दे रहे हैं देखिएगा ये जो आप देख रहे हैं ना हेमोसील मतलब हुआ अब आपके एन में जब 2005 की एन थी तो वहां पर हेमोसील दे रखा था और एम यू एलेवन इंट्रेंस टू में ये चीज़ आपसे पूछा लेकिन अब लिखा है बॉडी कैविटी इज फिल्ड विथ ब्लड मतलब आप बोलिएगा ओपन ब्लड ओपन ब्लड सर को ओपन ब्लड सर्कुलेशन प्लस ट्रू बॉडी कैविटी ओपन ब्लड सर्कुलेशन प्लस ट्रू बॉडी कैविटी मतलब सिलोम ट्रू बॉडी कैविटी यू सिलोम लिख दो या सिलोम एक ही बात है क्लियर हुआ तो हेमोसील याद रखिएगा हेमोसील इंपॉर्टेंट है अगर क्वेश्चन रिपीट हुआ तो दोबारा से पूछ लेगा ठीक है तो ये चीज़ है ठीक है एनिमल्स हैव ज्वाइंट लेग्स हो जाएगा बॉडी कैविटी फिल्ड विथ ब्लड जिसको हम हेमोसील बोलते हैं मतलब ब्लड डायरेक्टली बॉडी कैविटी में पोर हो जाएगा ठीक है तो इसको आप हेमोसील बोलेंगे ट्रू बॉडी कैविटी प्लस ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्लियर जल्दी जल्दी बताएं आइए नेक्स्ट देखिए आ गया ना ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम दैट इज ब्लड डू नॉट फ्लो इन वेल डिफाइंड ब्लड वेसल्स मतलब आर्ट्रीज वेन्स एंड कैपिलरीज आर ट यहां पर यह चीज नहीं होगा रेस्पायरेशन आर्थोपोडा में जो होगा जनरल बॉडी सरफेस से भी होगा ठीक है और गिल्स के थ्रू भी होगा ट्रैकिया याद रखिएगा आपके इंट्रेंस में सवाल 2007 में पूछा है ठीक है ट्रेकि से कौन इंसेक्ट लिख लीजिएगा इंसेक्ट रेस्पायर थ्रू ट्रैकिया इंसेक्ट रेस्पायर थ्रू ट्रैकिया बुक लंग्स ठीक है तो देखो एग्जाम्पल दे रखा रिप्रोडक्शन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है एग्जाम्पल याद रखिएगा एग्जाम्पल ऑप्शन में दे करके पूछ सकता है कि कौन कहां से बिलोंग कर रहा है आबान सिद्दीकी अबान सिद्दीकी अभी आए क्लियर हुआ सबको जल्दी से बताइए नेक्स्ट आइए एनीलिडा एंड आर्थोपोडा में हम डिफरेंस देख रहे हैं एनीलिडा एंड आर्थोपोडा में डिफरेंस देख रहे हैं ठीक है बच्चों एपेंडेजेस मतलब अनजॉइंट ज्वाइंट यहाँ पर ज्वाइंट मतलब क्या हो गया थ्री पेयर्स क्या बोलिएगा ज्वाइंट क्या हो जाएगा विंग्स लेग्स जो भी बोलिए ठीक है तीन पेयर में होंगे और ज्वाइंट होंगे सर्कुलेशन यहाँ पर एनिलिडा में क्लोज होगा याद रखिएगा यहाँ ओपन जिसको आप क्या बोल रहे हैं हेमोसील बोला था ठीक है हेमोसील अभी ये चीज आ जाएगा सिलोम ट्रू बॉडी कैविटी है यहां पर भी ट्रू बॉडी कैविटी है लेकिन ब्लड फिल्ड विथ बॉडी कैविटी विद इन बॉडी कैविटी विथ बॉडी कैविटी तो इसको आप बोल दिया हेमोसील हाँ ये इंपॉर्टेंट हो गया याद रखिएगा यहाँ पर क्या होता है क्यूटीन होता है यहाँ पर इनका एक्जो क्यूटीन से होता है यहाँ पर काइटीन ठीक है काइटीन से बना होता है तो इसीलिए काइटेनियस एक्जो एस्केलेटन इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा यहाँ पर नेफ्रीडिया हो गया ग्रीन ग्लैंड हो गया हो गया लोकोमोशन यहाँ पर पैरापोडिया और यहाँ पर लेग्स एंड विंग्स लेग्स एंड विंग्स लेकिन हमेशा याद रखिएगा थ्री पेयर्स होंगे लेग्स होंगे तो थ्री पेयर और विंग्स होंगे तो थ्री पेयर क्लियर है बच्चों समझ में आ रहा है लेग्स होंगे तो थ्री पेयर और विंग्स होंगे तो थ्री पेयर हाँ जी फहद वरीशा सालिहा नाज रुशान मंतशा यासिरा इंतखाब अर्श अंसारी आबान सिद्दीकी आइए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट जल्दी से मुलस्का ये सवाल आपके एंट्रेंस में पूछा जा सकता है सेकंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ ठीक है क्या बोलिएगा सेकंड लार्जेस्ट फाइलम कौन है मोलस्का है सेकंड लार्जेस्ट फाइलम कौन है मोलस्का है ठीक है अब मोलस्का में मोलस्क का मतलब सॉफ्ट बॉडी होता है क्या है मोस्टली एक्विटिक लिव इन सी वाटर सम इन फ्रेश वाटर ये देखिए दोबारा से क्या हो गया अनसिगमेंटेड सॉफ्ट एंड अनसिगमेंटेड सवाल पूछेगा okay. ट्रिप्लो ब्लास्टिक. सिलोमेट बाइलेट्रल बॉडी सिमेट्री हाँ ये इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा आपके एन में लिखा है सवाल पूछ सकता है लोकोमोशन मस्कुलर फूट आ गया यहाँ पर ठीक है सर्कुलेशन कैसा है ओपन है एक्सक्रीशन किससे हो रहा है ये पूछेगा किडनी नहीं किडनी लाइक -like, ये याद रखिएगा किडनी लाइक बॉडी कैविटी क्या हो गया रेड्यूज़ ये भी सवाल बन सकता है बॉडी कैविटी क्या हो गया रेड्यूज़ हो गया क्लियर आइए काइटीन ये टो चिटोन कोर्ट ऑफ स्नेल शेल पिलाई एप्पल स्नेल ये सब याद रखिएगा हाँ ऑक्टोपस डेविल फिश एग्जाम्पल देखे आपके एंट्रेंस में सवाल पूछा है क्लियर है सबको समझ में आ रहा है ठीक तो ये चीज़ तो देखो जो जो हम इम्पॉर्टेंट कर रहे हैं उसको तो डायरेक्ट टू डायरेक्ट ये आपको याद रखना है आइए नेक्स्ट इकाइनोडर्मेटा हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट स्ट्रक्चर ठीक है हेज हॉग याद रखिएगा इसके बारे में हार्ड कवरिंग होता है हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सक्लूसिवली मेराइन मतलब सिर्फ ये खारे पानी में पाया जाएगा ट्रिप्लो पता है सिलोमेट ट्रू बॉडी कैविटी होगा ठीक है और विदाउट सिगमेंटेशन यहाँ पर भी नहीं रेडियल सीमेट्री ये आपके एम यू एम यू सिक्सटीन या एटीन में पूछा है ठीक है तो यहाँ पर इनके लार्वा में याद रखिएगा क्या होता है बाई लेट्रल सिमेट्री एंड एडल्ट में क्या बोलिएगा रेडियल सिमेट्री ये इंपॉर्टेंट है इसलिए हम दोबारा से लिख दिया ध्यान रखिएगा दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो सकता है ठीक है आइए बॉडी कैविटी मॉडिफाइड इनटू हाँ जो कि लोकोमोशन में हेल्प करेगा मस्कुलर फूड ठीक है देखिए ट्यूब फीड ट्यूब फीड मस्कुलर फूड मोलस्का में था यहाँ ट्यूब फीड लोकोमोशन फूड क्या कलेक्शन डाइजेशन इज कंप्लीट माउथ और एनस अलग अलग होगा ठीक है ये चीज़ रेस्पायरेशन याद रखिएगा ठीक है एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है ठीक है ये सब आपके एग्जाम्पल से इंट्रेंस में क्वेश्चन पूछता है इसमें तो कुछ नहीं करना है आपको डायरेक्ट टू डायरेक्ट याद रखना है अब देखो कॉर्डेट्स के बारे में आ जाए तो ट्रिप्लो पता है बाइलेट्रल सिमेट्री पता है ट्रू बॉडी कैविटी पता है अब ये बात इंपॉर्टेंट हो गया नॉन कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड नहीं होता है कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड होता है ये भी बन सकता है तो पीछे जो आप देख रहे हैं ना डॉर्सल में तो क्या होता है रॉड लाइक स्ट्रक्चर है डॉर्सली प्लेस्ड है जो प्रोवाइड अटैचमेंट साइड फॉर मसल ठीक है जिसकी वजह कर वो बॉडी पॉस्चर को मेनटेन करता है जैसे ये मार्कर दिख रहा है ठीक है तो ये रॉड शेप हो गया ठीक है डॉर्सो पीछे की तरफ है तो डॉर्सो डॉर्सल साइड में होगा अब इससे ये मेरा हाथ को मसल मान लीजिए तो इससे इस तरह से मसल जुड़ा हुआ है ठीक है तो क्या बोलिएगा नोटो कॉड इज लॉन्ग रॉड लाइक स्ट्रक्चर डेट डेवलब्स ठीक है बिटवीन डॉर्सल नर्व नर्वस सिस्टम एंड गर्ट ठीक है notochord cord function as a support structure that provide points for the attachment of muscle dorsal hollow nerve cord ठीक है Above the नोटोकॉर्ड ठीक है अब, अब देखिए pharyngeal gill slits ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ठीक है आ जाइए नेक्स्ट बस इतना याद रखिएगा नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा क्लियर है आइए अब देखो ये थोड़ा सा बच गया जो कि हम कल आपको कल ये जो बचा हुआ पार्ट है ये पूरा कल और क्या है इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा वो करा देंगे ठीक है उसके बाद कल हो जाएगा आज अठारह है कल उन्नीस ठीक है तो बीस और इक्कीस चलो हम दो पार्ट में डिवाइड कर लिया बीस और इक्कीस को हम डायरेक्ट टू डायरेक्ट पूरा सिलेबस एक साथ बात करेंगे बीस और इक्कीस में ठीक है कल ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे कुछ थोड़ा बहुत टिश्यू और सेल के बारे में आपको बता देंगे फिर उसके बाद बीस इक्कीस में हम पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे तो अभी पंद्रह मिनट का टाइम है थोड़ा आप रिलैक्स हो लें कंटिन्यू क्या है मोबाइल पे फेस ना रखें इसीलिए थोड़ा रिलैक्स होने का हम आपको टाइम दे रहे हैं क्लियर है बच्चों थोड़ा रिलैक्स हो जाएं उसके बाद आप पंद्रह मिनट के बाद इंडो इस्लामिक की क्लास कर लें इंडो इस्लामिक क्लास बहुत अच्छे से करना बच्चों बहुत ज़रूरी है ठीक है आइए क्योंकि ये बिल्कुल अलग सब्जेक्ट है ठीक है आपके एंट्रेंस के लिए बाकी तो आप नाइन टेंथ में पढ़ के आते हैं ये बिल्कुल अलग है तो इंडो इस्लामिक और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में भी ये लिंक शेयर कर दें और बच्चों को भी फ़ायदा होगा किसी और को शेयर करने से आपका कोई नुकसान नहीं होगा बच्चों उन बच्चों का फ़ायदा हो जाएगा तो प्लीज़ जो भी आपके साथ के तैयारी कर रहे हैं उन सब को शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा सब का काम है बच्चों ठीक है आइए ओके अल्लाह हाफिज़ बाय बाय